नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुछि मिति स्मृति। देश में कोरोना मामला बढ़ुची एभली परिस्थिति में मास्क सबुठारु बड़ अस्त्र। आम आपण मानक बारंबार अनुरोध करुछु मास्क पिंधतु। न्यूज 18 आरंभ करिछि एक नुआ अभियान मास्क पहनो इंडिया। आपण शपथ करंतु जेपर्यंत महामारी अच्छी मुहरु मास्क काढ़े ना। एवं खबर उपरे नजर पकाइबा। विजिलेंस जेल में पंचायत निर्वाही अधिकारी बापियो ढेंकानाल जिला भुवन ब्लक दीघा और मठकार गोला पीओ संतोष कुमार साहू को घरे विजिलेंस चढ़ाऊ करिछि। संतोष को बासभवन समेत पांचटी स्थान में एककालीन रेड चली। जड़े डीएसपी सात जन इन्स्पेक्टर समेत विजिलेंस पांचटी टीम यह चढ़ाऊ में सामिल अच्छा। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग चढ़ाऊ कर चढ़ाऊ बेले बहु कागजपत्र समेत कामाख्या नगर में गोटे तीन महला कोठा और दुईट सिंगल स्टोरी बिल्डिंग ठाब हो पीओं घरे विजिलेंस चढ़ाऊ हो। संपर्क में अधिक सूचना पाई करेस्पोंडेंट दीपक सामल फोन लाइन जोड़ी होती। दीपक, निर्दिष्ट कौन अभियोग थिला? देखो ढेंकानाल जिला भुवन ब्लॉक मठ काठगोड़ा ग्राम पंचायत पीओ संतोष कुमार साहू को घरे आयुर्वेद संपत्ति ठूल अभियोग में विजिलेंस टीम आज सका चढ़ाव करुच्च। एककालीन पांचटी टीम घर समेत पैतृक घर और शशुर घरे विजिलेंस टीम चढ़ाव कर जारी रखी। चढ़ाव बेले विशेषकर जड़े डीएसपी को नेतृत्व में सात जन आईआईसी को सहित बहु वरिष्ठ अधिकारी रेड में सामिल अच्छा। चढ़ाऊ बेले बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र टंका सुना एवं किसी बैंक आकाउंट विजिलेंस जबत कला। तेरे जहां जमापड़ी कामाख्या नगर में एक तीन महला घर रही दुईट सिंगल स्टोरी बिल्डिंग ठाब कर विजिलेंस विभाग। विशेषकर पूर्वर मध्य अभियोग आसीला विभिन्न समय से लांच नि अभियोग तेणु विरुद्ध में प्रथम कोर्टे समस्त कागजपत्र दाखल करजिलांस कोर्टु अर्डर मिले पर आज सका विजिलेंस पांचटी टीम एककालीन चढ़ाव कर चढ़ाऊ बेले जदिव स्पष्ट भाव में कहुनी एत सुधा केत संपत्ति ठाबला तथापि जेहेतु कामाख्या नगर में एक तीन महला घर और दुई महला घर ठाब होगा। तेणु आशा करा जड़े पीओ किभली भाव में एत संपत्तिर मालिक हेले इनकम सोर्स कौन था से दिग नहीं तो विजिलेंस खोलताड़ कर आर्थिक कारबार को नहीं विजिलेंस खोलताड़ करुच्च। कहीं से किभली भाव में कोटिपति हेले कि भाव में एत संपत्तिर अधिकार हेले जड़े पीओ जड़े पंचायत पीओ कहीं कि सोर्स से टंका इनकम करते नहीं खोलताड़ कलानी विजिलेंस विभाग। यह सहित बैंक आकाउंट छानबीन चलती विशेषकर बेआईन आर्थिक कारबार को नहीं विजिलेंस खोलताड़ आरंभ करेणु स्पष्ट हम तर चाकर टंका व्यतीत आउ इनकम सोर्स कौन था से कि भाव में एत टा संपत्तिर मालिक विजिलेंस वर्तमान खोलताड़ जारी रखी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपण समस्त सूचना। सावधान, आगको बुड़ीजिबो ओडिसारो पारादीप सहर देशर बारटी सहर एक कथा आमे कहुनु एभली पूर्वानुमान करिछि नासा। वर्ष 2100 सुधा अर्थात आगामी 80 वर्ष सुधा देशर बारटी समुद्र उपकूल सहर बुड़ी जाई पारे। बारटी सहर हेला मुंबई मांगालोर चेन्नई आखो मुर्मुगाओ कंडला भावनगर तुतिकोरन कोची एवं ओडिसारो पारादीपर समुद्र कूलिया अंचल। सूचना अनुसार वर्ष 2100 सुधा विश्वर तापमात्रा प्रबल वृद्धि पाइब फलरे लोके प्रचंड रौद्रतापर सम्मुखीन हेबे। जदि प्रदूषण मात्रा को रोका न जीव तेबे तापमात्रा 4.4 डिग्री वृद्धि पाइब। आगामी 2 दशक मध्यरे तापमात्रा 1.5 डिग्री वृद्धि पाइब। जदि एभली तापमात्रा वृद्धि पाइब तेबे हिमस्खलन हेबा सह समुद्र रे जलस्तर वृद्धि पाइब एवं समुद्र तटवर्ती अंचल रे प्रबल क्षति हेबार संभावना रहिछि। रिपोर्ट अनुसार प्राय 80 वर्ष पर भारत 12 समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे जलस्तर एत बढ़ीजिबो जे सहर मध्यरे 3 फुट उच्चरे पानी प्रवाहित हेबो फलरे उक्त अंचल लोकंकु अन्यत्र स्थानांतर कराजिबो। सहर मध्यकु समुद्र माड़ी आसिबा कारणरु ओडिसार पारादीप समुद्रकूल अंचल पानी रे बुड़ी जाई पारे। एहा सह पारादीपर अनेक अंचल जलमग्न होइजिबो।
अन्यान्य पछुआ वर्ग ओबीसी संरक्षण ने राज्य मानू अधिकार प्रदान संपर्कित सांविधानिक संशोधन बिल लोकसभा पास हो केन्द्र सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री वीरेन्द्र कुमार गतकाली लोकसभा संविधान 137तम संशोधन बिल को लोकसभा आगत करते गृह आलोचना होता विरोधी दलगुड़िक बिल को समर्थन करथिबा बेले एहा लोकसभा अनुमोदन हासिल करिछि। ए बिल आईन रे परिणत हेबा परे राज्य गुड़िक निजस्व ओबीसी तालिका प्रस्तुत करने को क्षमता मिलिबो। घर भांगिले धान फसल नष्ट कले केन्दुझर जिला पटना रेंज अंचल रे 25 टिकिया हाथी पलंक उपद्रव रात्रे ही हाथीपल सहारापड़ा सेक्शन अंचल एकर एकर धान फसल नष्ट सहित नौटी घर भांगी सहारापड़ा सेक्शन अंचल गत चार दिन हेब 25 टिकिया हाथीपल उपद्रव चल हाथीपल दिन बेला करंजिया रेंज रोता बेले राति पटना रेंज अंचल को प्रवेश कर व्यापक क्षयति घटा विलंबित राति हाथीपल बाईकड़ा टभासरुआ लक्ष्मीपशी गुंडुरी पशी तेंडेरा नुआगा हरिहरपुर दासपड़ा धान फसल नष्ट करुछन्ते टभासरुआ गांव हृदानंद महाराणा घर एवं दासपड़ा सुदन मुंडा और गुंडरीपशी गांव शरत नायक घर भांगी एथसहित फुलपहाड़ी गांव में चारोटी घर और खड़िकापदा गांव में दुईट घर भांगी हाथीपल घर भांगा पर हाथीपल सका सहारपड़ार भिरल नदी में जलक्रीड़ा करुवा देखा घर भांगी धान फसल नष्ट हाथीपल केन्दुझर जिला पटना रेंज अंचल 25 टिकिया हाथीपल उपद्रव चल रात्रि ही हाथीपल सहारापड़ा सेक्शन अंचल एकर एकर धान फसल नष्ट सहित नौटी घर भांगी सहारापड़ा सेक्शन अंचल गत चार दिन हेब यह 25 टिकिया हाथीपल उपद्रव चल ब्रेक पर स्वागत। नयागढ़ जिले में क्रीडार विकास पर पांचटी स्थान में निर्माण होब इंडोर स्टेडियम खंडपड़ा दशपल्ला ओडगा रणपुर और नयागढ़ म्युनिसिपालिटी अंचल में निर्माण होब इंडोर स्टेडियम पीटीएस रोड निकट में 5 एकर जमीन में निर्माण होब इंडोर स्टेडियम एथिपाई 10 कोटी टंका व्यय बराद होइछि। 18 मास मध्य स्टेडियम निर्माण कार्य शेष होब यह जिलार क्रीडाविद मानक उत्साह देखा मिली शोभा मुख्यमंत्री को शुभेच्छा जनाई क्रीडाविद क्रीडार विकास और खेलाड़ी सुविधा सुजोग एवं विभिन्न मैच पर इंडोर स्टेडियम रे समस्त सुविधा रही कृषि एवं उच्च शिक्षा मंत्री अरुण कुमार साहू कहते संपर्क अधिक सूचना नयागढ़ सीधासलख जोड़ी आम प्रतिनिधि नवकिशोर मिश्र नवकिशोर नयागढ़ से क्रीडार विकास पांचटी स्थान में इंडोर स्टेडियम निर्माण होब तेब यह वर्तमान अंचलवासी तथा जिलावासी कौन प्रतिक्रिया मिली सहित खेलाड़ी मान कौन प्रतिक्रिया आ निश्चित इतिस्मृति आम कह नयागढ़ जिलार क्रीड़ा प्रेमी और खेलाड़ी खुशी खबर कारण नयागढ़ में निर्माण हम 10 कोटी टंका व्यय इंडोर स्टेडियम जो इंडोर स्टेडियम रे टेनिस ठारु आरंभ कर भलिबल जिम एवं अन्यान्य खेलार सुविधा सेठार मिलिबो एवं एपरिकी जिला स्तरीय राज्यस्तरीय एवं आंतर्जातीय खेलाड़ी खेल प्रतियोगिता सेठार हो पारिबो। निश्चित भाव मुख्यमंत्री कैबिनेट रे एभली घोषणा करबा परे नयागढ़ जो क्रीड़ा प्रेमी अच्छा खेलाड़ी मित्र उत्साह रही है ये रही नयागढ़ स्टेडियम ये स्टेडियम बैक साइड रही 5 एकर जमी से 5 एकर जमी रे इंडोर स्टेडियम टी निर्माण हम जहाँ लक्ष्य रखा जा 18 मास भितर ए इंडोर स्टेडियम टी निर्माण हम एवं जहाँ आमको सूचना देते कृषि मंत्री अरुण कुमार साहू जे मुख्यमंत्री यह घोषणा जिलार क्रीडार विकास और खेलाड़ी मान विकास दिगरे बे सहायक हम निश्चित भाव एथिपाई जिलावासी तरफ मुख्यमंत्री शुभेच्छा जनई सीधा सड़क आम कि आम पाखे किसी खेलाड़ी अच्छा सहित आलोचना करें मुख्यमंत्री इंडोर स्टेडियम सर्वप्रथमे आम नयागढ़ जिलावासी तरफ ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुचु। दीर्घ दिन दाबी थिला एठी गोटे इंडोर स्टेडियम हवा दरकार नयागढ़ एक क्रीड़ा बहुल राज्य गोटे सुंदर जिला
सही राज्य प्रतियोगित नयागढ़ ना सर्वाग्रे फुटबल हौ क्रिकेट हौ आगुरी जमी रही आई इंडोर स्टाडियम है आम आशा करूँ सबू पाने खेल सुजोग बैडमिंटन हौ भली हौ टेबुल टेनिस हौ इंडोर गेम सब प्रकार सुविधा पाइबे एवं ओडिशार जो सुनामधन्य दुई जन हॉकी तारका सुविधा हम लोग पाने कौन कहते खेल देखो नयागढ़ स्टाडियम ना जो एम एल ए अरुण भाई स्टाडियम टी कर तो दान अपूरणीय सेटा आम सुझीपर एक दुई पुणी इंडोर स्टाडियम नयागढ़ हेल्थ कॉन्शियस समय रे सबो योगदान बहुत बड़ा मूल्यवान आम जिला पाई अपन कोन कहिबे नवीन पटनायक रे जो घोषणा जिला रे इंडोर स्टेडियम पांचटी स्थान रे इंडोर स्टेडियम केते सहायक खेलाड़ी निश्चित भाव रे ए इंडोर स्टेडियम हबा फल रे नयागढ़ जिला रो युवगोष्ठी छात्र गोष्ठी समस्त उत्साहित एवं नयागढ़ वासी प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक को स्वागत जनाउछंती कृतज्ञता जनाउछंती धन्यवाद अर्पण करउछंती एठारे इंडोर स्टेडियम हवा फल युवगोष्ठी माने एवं छात्र गोष्ठी माने निश्चित भाव नयागढ़ रे एक खेलर हब पाल्टिबो जहाँफल कि जिला स्तर ठार आरंभ करी राज्य स्तर एवं आंतर्जातीय स्तर रे पिला माने खेल रे भाग नेबे नयागढ़ जिला एक खेल प्रतिष्ठित जिला आमर प्रिय मुख्यमंत्री आमर मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार साहू को अवदान रे इंडोर स्टेडियम होतीपाई आम खेल प्रेमी एवं खेलाड़ी माने नयागढ़ जिला तरफ़ मंत्री एवं मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुचु इंडोर स्टेडियम हेले यही खेल प्रेमी माने बहुत उपकृत हेबे यही ओलंपिक वर्तमान शेष होई मुहूर्त जो आमको उपहार देखते आम विशेष विशेष धन्यवाद जनाऊ आम मंत्री एवं आम मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ये जो घोषणा नयागढ़ इंडोर स्टेडियम दस कोटी टंकार जिला स्तर राज्य स्तर प्रतियोगिता आप खेल सहायक इंडोर स्टेडियम यह एक स्वागत योग्य निष्पत्ति एवं यार श्रेय आमर नवीन बाबू को जीव माननीय मुख्यमंत्री की जीव आमर माननीय कृषि मंत्री की मध्य जीव एवं एत फिगर कसस अच्छा है ए फिगर कसस द्वारा हम समस्त उपकृत परे जिला रे समस्त खुशी अछंते एवं पदक्षेप को मध्ये स्वागत करूछने बहुत बहुत धन्यवाद नव किशोर आपन का समस्त सूचना पाई। नमस्कार मु गणेश सरगोचेकर जीवन योग को स्वागत करूछि। ए दुनिया रे योग होची एकमात्र उपाय मोस्ट रिलायबल हेल्थ कार्ड मोर कहिबार अर्थ होची शरीर को व्याधि रोगरु सुरक्षित रखिबारे एकमात्र उपाय होची योग। योग द्वारा खाली आम शारीरिक स्तर रे विकास हुए आम व्यक्तित्व स्तर रे मध्य विकास होता है। चलंतु आज शिखिबा त्रिकोणासन कोळे करिवे चलंतु देखिबा छेड़ा आइजिबा दुई गोड़ को जोड़े दबा दुई हाथ को शरीर दुई साइड रखिदेव दुई गोड़ व्यवधान 4 फीट वाइड करदेव मन रखिथे फिट टू फिट वन लाइन रहा दरकार पाद को पाद गोटे गार भर रहा चेष्टा करेंगे धीरे धीरे श्वास नेकी दुई हाथ को कांध अंजे उठाईदे डाण पाद को टिके डाण पट को घूरदे बाम पाद को टिके डाण पट घुराईदे श्वास ने श्वास छाड़ी धीरे धीरे डाण पट को ठलिबे एंकल को धरने चेष्टा करेंगे बाम हाथ को उपरू करदे उपर को देखिए जदि आपण एंकल को धरी पार ना तो आपण सिंबोन को धरवे किंबा आंठू को धरने चेष्टा करेंगे जी जाती चेष्टा करेंगे फोर्स करेंगे ना कौन सी आसन को फोर्स सहित करेंगे ना धीरे धीरे श्वास नहीं उपरक आसवे दुई हाथ को कांध अंजे रखिदे डाण पद को बुलेदे बाम पद को बुलेदे धीरे धीरे जब डाण पट को ढलिले से बाम पट को ढलवा धीरे धीरे बाम पद को बाम पट घूरदे डाण पद को टिके बाम पट घूरदे श्वास ने श्वास छाड़ी धीरे धीरे बाम पट को ढलिबे एंकल को धरने चेष्टा करेंगे जदि एंकल को धरी पार ना
ताहले सिनबोन को धरिया पय चेष्टा करिवे नले आंटू को धरिया पय चेष्टा करिवे जेतकी पारुचंती सेतकी जिया पय चेष्टा करिवे फोर्स करिवे नाही धीरे धीरे श्वास नहीं धीरे धीरे ऊपर को पळे आसिबे धीरे धीरे हाथ दुटो रिलैक्स कर देबे बाम पद को बुलाई देबे डाण पद को बुलाई देबे गोड़ जोड़ी देबे रिलैक्स हो जाए यह कहते त्रिकोणासन ए आसन टू दुई सेट करेंगे बा दुई चक्र करेंगे आते पोस्चर आप करो आसन करसन समय रे, से ही समय रे 30 सेकेंड्स रखाप चेष्टा करेंगे आई समय श्वास गति नॉर्मल रखाप चेष्टा करेंगे श्वास को बंद करेंगे ना जदि आप 30 सेकेंड्स रखिपार मिनिमम 10 सेकेंड 20 सेकेंड रखाप चेष्टा करेंगे ये आसन करवा द्वारा आमर जो अंटार वेस्टलाइन जो फैट थाए से फैट चर्बी कम होता है ता छड़ा आमर आर्म मसल स्ट्रेच होता है रिबकेज स्ट्रेच होता है हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होता है काप मसल स्ट्रेच होता है एगुड़ा स्ट्रेच होता है ये मसल गुड़ा स्ट्रेच होता है जहाद्वारा कि आम रिलैक्स फिल कर था। चलते शिखा आउ गोटे आसन द्विकोण आसन कोवे करेंगे चलत देखा ढाई दुई गोड़ व्यवधान मिनिमम 1 फुट टू 2 फुट वाइड करदे इंटरलॉक फिंगर करदे हाथ पछ को नहीं जावा जदि आप इंटरलॉक फिंगर करवल सपोर्ट नहीं करेंगे श्वास नवा श्वास छाड़ी धीरे धीरे आगो को ढलवा यह आसन मिनिमम 30 सेकेंड्स रखाप चेष्टा करेंगे धीरे धीरे श्वास नहीं ऊपर को आस हाथ को रिलैक्स करदे दुई गोड़ को जोड़ी देबे ए आसन को मिनिमम दुई थर करने चेष्टा करेंगे दुई सेट बा दुई चक्र करने चेष्टा करेंगे प्रत्येक थर 30 सेकेंड्स रखाप चेष्टा करेंगे जदि न रखि पारे 10-20 सेकेंड्स रखिले बहुत भल ये आसन करवा द्वारा आमर पेटर चर्बी कम होता है आमर हामस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होता है काप मसल स्ट्रेच होता है फॉरवर्ड बेंडिंग इंक्रीज होता है ता छड़ा आमर पेटर चर्बी कमी थाए पिठीर मांस बेसी नमनीय होता है ए आसन टू को मैंने करेंगे ना जो मानकर पेटर सर्जरी हो मासिक धर्म चली संगे संगे डेलीवरी करी गर्भवती महिला एम ए आसन टू करें ना बाकी समस्ते ए आसन टू करें जो मानकर फोर्जन शोल्डर अच्छी से आसन टू करें ना बाकी समस्ते ए आसन टू करें जदि सोल्जर ऑपरेशन मोबिलिटी ऑपरेशन सीवियर पेन फिल कर आसन टू करें ना बाकी समस्ते ए आसन टू करें जिते आपर स्नायुजुक्त समस्या देखा जाए ड्राउजी फिल हुए निद भाज्य लगे से दुटा जाक आसन करवाई दुटा जाक आसन आपण मैंने घर अभ्यास करूँ आप नर्भस सिस्टम को ठीक करूँ और आप एक्टिव फिल करूँ मु पुणी आसवी आउ एक नू एपिसोड रे आउ किसी योगासन सहित रहुची नमस्कार।